you were something different, but I don't want to change. Slowly but surely, you began to fade. खाना वैसे ठंडा हो गया है, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना, वो उसके बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशीष बड़ोले और ये फर्स्ट व्लॉग वीडियो है मेरी। व्लॉग बनाना मैंने भी आज से स्टार्ट किया है। सुबह मैंने ऑलरेडी व्लॉग शूट करके रख लिया, लेकिन जो इंट्रो है वो मैंने शूट नहीं किया था। I've got a feeling that I cannot explain. You want something different, but I don't want to change. Slowly but surely, you began to fade. Things are finally changing, and I was not afraid. Like I don't have to pretend. Yeah, it's time to move on. We've reached the bittersweet end. दोस्तों, अभी खाने का समय हो गया है। मेरे लिए टिफ़िन आया है और लोगों के लिए भी आया है, वो कहीं और बैठ के खा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा बैठ के खाने के लिए, क्योंकि जो आपसे थोड़ी बहुत बात भी हो जाएगी। और पीछे जो ये तुअर है, ये तुअर की दाल है, तो अभी इसको नहीं निकाल रहे क्योंकि अभी इसको टाइम है पकने के लिए। अभी कच्चा है इसका जो तुअर की दाल है वो। तो इस तरीके से झाड़ है बहुत, आप देख सकते हैं दूर तक, थोड़ा जंगल सा लग रहा है, छाँव भी है। तो यहाँ पर बैठ के खाने की जो आनंद की अनुभूति होगी वो कुछ अलग ही होती है। और सबसे पहले चप्पल निकालना बहुत ज़रूरी गाइस। हाथ धो लेते हैं, फ़िलहाल हम हाथ धो के आए हैं, बट अभी मैं कुछ चीज़ों को छू चुका हूँ, तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं टिफ़िन में क्या है। दोस्तों, ये मेरा कॉलेज का टिफ़िन है, जब मैं कॉलेज जाता था टिफ़िन ले जाता था। आज कुछ कॉलेज की याद आ गई, जैसे हम टिफ़िन खाते थे, यही टिफ़िन उसी में लेके आ गया हूँ आज मैं। और फूल गोभी बना हुआ है, तुमको थोड़ा दिखा देते हैं। और रोटी है, रोटी में पता नहीं देसी घी लगा होगा, तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि गांव में आता हूँ तभी घी खाने को मिलता है। और हाँ दोस्तों, घी लगा हुआ है, देसी घी। दोस्तों शुरू करते हैं खाना खाने, आप भी खा लीजिए खाना, भूखे नहीं रहे। खेत में जाके, पेड़ के नीचे, गार्डन में जाके खाने खाने का जो मज़ा होता है ना, उसमें पता नहीं जो खाना होता है उसमें अलग स्वादिष्ट अच्छा लगता है, ऐसे बैठ के खाने में। इसलिए मैं ऐसा इनके नीचे बैठ के खा रहा हूँ, ठंडा सा लग रहा है। खाना वैसे ठंडा हो गया है, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना, वो उसके बहुत अच्छा है। आगे की दिनचर्या को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आपसे क्या विदा। सावधान इंडिया थोड़ी चल रहा है। दोस्तों मैं खेत में आ चुका हूँ और इधर जो है ज़मीन भिगोई जा रही है गेहूँ बोने के लिए। अभी मुझे यहाँ पर देखना है कि कुछ एरिया सूखा है, वहाँ पर पानी ले जाना है, उसको भिगोना है। पूरी ज़मीन भीग जाने के बाद 2 या 3 दिन के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद गेहूं बो दिए जाएंगे। तो देखते हैं कहां कहां एरिया सूखा हुआ है, वहां पर पानी ले जाते हैं। Now that you're gone, it's like I
दोस्तों पानी पी के वापस आ चुका हूँ मैं। बहुत देर से पानी नहीं पिया था तो लो एनर्जी फील हो रहा था, लेकिन अभी पानी पी के आ चुका हूँ। बॉडी हाइड्रेट हो चुकी है, वापस एनर्जी आ चुकी है, बैक टू वर्क। और पानी अपने आप जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ एरिया छूट जाते हैं, वो टाइम टू टाइम जाके चेक करना होता है कि कहाँ एरिया छूट रहा है, और वहाँ पर पानी ले जाओ और उस ज़मीन को भिगो दो।